और भाई क्या हाल चाल है आप सबका, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है उन सब लोगों के लिए जो कि भाई एक ब्रांडेड अकूस्टिक गिटार लेना चाहते हैं 10,000 से कम की प्राइस रेंज में। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, 10,000 की प्राइस रेंज या इससे कम की प्राइस रेंज में जो सबसे इंस्टेंटली दिमाग में गिटार का ब्रांड याद आता है वो है मेरे को यामा F280। इसके अलावा 10,000 की प्राइस रेंज में आपको देखने को मिल जाता है कॉर्ड AD810 और टैंगलवुड क्रॉसरोड सीरीज जो कि मैंने लास्ट ईयर ही रिव्यू किया था। अब ये सारे गिटार्स ही बढ़िया आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं, लेकिन इन सब गिटार्स में जो एक कॉमन प्रॉब्लम है वो ये है कि भाई आपको जो है कट अवे ऑप्शन नहीं मिलता। तो आज यही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस गिटार के साथ। तो यहाँ है मेरे पास सागा का SF600 सीरीज और ये जो है आप देख सकते हैं भाई एक कटअवे डिजाइन अकूस्टिक गिटार है। और यहाँ पे मैं आपको इसकी MRP भी बता देता हूँ। तो करंट MRP जो है सागा SF600 सीरीज की वो है 8,990 रुपीज। तो यहाँ पे भाई काफी एक आपको अफोर्डेबल ऑप्शन देखने को मिल जाता है 10,000 से कम की प्राइस रेंज में और आपकी जो है सारी नीड्स भी आप देख सकते हैं फुलफिल हो रही हैं कि यहाँ पे आपको एक कटअवे डिजाइन का अकूस्टिक गिटार देखने को मिल रहा है। और भाई जो सागा है वो एक काफी रेनाउंड ब्रांड है स्पेशली साउथ एशिया पैसिफिक एरिया में, तो ये जो है एक काफी रिलायबल ब्रांड भी हो जाता है और फाइनली अब ये जो है इंडिया में भी लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक ड्रेडनोट कटअवे डिजाइन अकूस्टिक गिटार देखने को तो मिल रहा है जो कि भाई बहुत से लोगों को पसंद आएगा, लेकिन इसके अलावा भी आपको और दो ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो एक तो है ग्रैंड कॉन्सर्ट या ग्रैंड ऑडिटोरियम शेप और इसके अलावा है कॉन्सर्ट शेप जो कि सबसे छोटा साइज हो जाता है SF600 सीरीज में। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो गई कि 10,000 से कम की प्राइस रेंज में आपको एक कटअवे डिजाइन अकूस्टिक गिटार मिल रहा है विथ 3 डिफरेंट ऑप्शंस, ड्रेडनॉट, ग्रैंड कॉन्सर्ट एंड कॉन्सर्ट। लेकिन यहाँ पे और भी भाई सरप्राइजेस है। अगर आप यहाँ तक वीडियो में पहुंच चुके हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको प्लेन अकूस्टिक वेरिएंट तो देखने को मिलता ही है, लेकिन इसके अलावा जो है आपको इवन एक इलेक्ट्रोकूस्टिक वेरिएंट भी मिलता है विथ फिशमैन पिकअप। जी हाँ, तो भाई ये कितनी स्पेशल चीज हो जाती है कि एक बड़े कंपेटिटिव प्राइस पे जो है आपको इलेक्ट्रोकूस्टिक गिटार में फिशमैन पिकअप देखने को मिल जाता है SF600 सीरीज में। अवेलेबिलिटी की बात करें तो सागा गिटार्स आपको ऑफलाइन मार्केट में काफी जगह देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको इवन ऑनलाइन भी ये गिटार्स जो है अवेलेबल होंगे जो सारे बेस्ट बाय लिंक से आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए अब स्पेक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे SF600 सीरीज में आपको देखने को मिल जाता है एक लैमिनेटेड स्प्रू स्टॉक। इसके अलावा यहाँ पे जो बैक एंड साइड है वो बनी है लैमिनेटेड सपेले की। तो यहाँ पे जो सपेले है वो एक महोगनी की ऑल्टरनेटिव वुड है, तो काफी ट्रेडिशनल वुड चॉइसेस आपको इस सीरीज में देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे अगर मैं एक बार फिनिश की भी बात करूँ तो जो इंटायर गिटार है वो आपको मैट फिनिश या स्लाइटली सैटिन फिनिश में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो बैक एंड साइड्स और नेक है इस गिटार का वो आपको ओपन पोर फिनिश में देखने को मिल जाता है, काफी एक प्रीमियम लुक और प्रीमियम फील देता है। और यहाँ पे इवन अगर मैं बाइंडिंग की बात करूँ तो भाई यूजुअली क्या होता है कि जो 10,000 से कम की प्राइस रेंज में ब्रांडेड गिटार्स होते हैं वो आपको जो है एक पेंटेड वाली जो है बाइंडिंग देते हैं। मतलब बेसिकली क्या होता है कि गिटार के जॉइंट्स के ऊपर जो है एक पेंट सा लगा होता है ब्लैक कलर का। तो यहाँ पर जो है भाई 8,990 रुपीस के प्राइस रेंज में आपको जो है लगभग 12,000 से 15,000 रुपये प्राइस रेंज वाले स्पेक्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो बाइंडिंग है आपको ब्लैक और वाइट कलर की देखने को मिल जाती है बॉडी पे, और यहाँ पे ब्लैक बाइंडिंग आपको देखने को मिल जाती है नेक पे। तो ओवरऑल जो है एक काफ़ी प्रीमियम लुक, एक प्रीमियम फील आपको इस गिटार में देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा अगर मैं कलर ऑप्शंस की बात करूँ तो यहाँ पे जो है आपको नेचुरल सनबर्स्ट और ब्लैक कलर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नेटो वुड का नेक देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे नेक की बात करें तो मैं आपको एक मिनट रोकना चाहूँगा क्योंकि यहाँ जो नेक है इस गिटार का वो एक बहुत ही स्पेशल फीचर हो जाता है। यूजुअली आपने जितने भी मेरे रिव्यूज देखे होंगे उसमें मैं यूजुअली जो है नेक की आपको वुड बताता हूँ, जो है थोड़ी बहुत आपको नेक की प्रोफाइल भी एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं नेक पे काफ़ी अटेंशन देना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे भाई जो SF600 सीरीज है, चाहे आप कोई भी शेप लो, ड्रेडनॉट लो, ग्रैंड कॉन्सर्ट लो या कॉन्सर्ट लो, जो नेक है दैट इज वेरी स्लिम। दिस इज वन ऑफ द स्लिमेस्ट नेक जो कि मैंने देखा है एक अफोर्डेबल अकूस्टिक गिटार में अंडर 10,000 रुपीज के प्राइस रेंज में। तो ये जो स्लिम प्रोफाइल नेक है ये बिगनर्स के लिए तो स्पेशली बहुत ही यूजफुल हो जाता है, काफी कंफर्टेबल रहता है गिटार सीखने के लिए। इसके अलावा अगर आप भाई गिटार अपग्रेड कर रहे हैं, एक इंटरमीडिएट प्लेयर हैं, तो उसमें भी आपको एक काफी प्लेजेंट एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो फ्रेटबोर्ड और ब्रिज है वो आपको देखने को मिल जाता है रिच लाइट का, और यहाँ पे आपको जो है प्रीमियम डाइकास्ट ट्यूनिंग कीज देखने को मिल जाती है। स्टॉक स्ट्रिंग्स की बात करें तो यहाँ पे आपको रोड डॉग ब्रांड की स्ट्रिंग्स देखने को मिल जाती हैं।
तो यहाँ पे आपको जो है 1152 का गेज देखने को मिल जाता है इन फॉस्फोर ब्रॉन्ज। तो ये जो रोड डॉग स्ट्रिंग्स है ये भी बस इंडिया में जस्ट अभी लॉन्च हुई है, तो अगर आपको अपने गिटार में ये वाली स्ट्रिंग्स यूज करनी है या अगर आप सागा गिटार्स लेते हैं और आपको वापस यही स्ट्रिंग्स यूज करनी है तो आप डेफिनेटली इनको भी चेक कर सकते हैं। तो वही क्वालिटी ब्रांडेड स्ट्रिंग्स के अलावा यहाँ पे एक और स्पेशल चीज है जिसके बारे में मैं यूजुअली किसी भी वीडियो में मेंशन नहीं करता। तो यहाँ पे जो इसकी एलन की है, जो भी आप सागा के गिटार लेंगे उसके साथ जो एलन की है ना वो बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे आपको एक तो भाई बड़ी अच्छी पैकिंग में देखने को मिल जाती है, उसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज मेरे को लगी जो कि भाई अब तक मैंने किसी भी अफोर्डेबल गिटार की एलन की में नहीं देखा है, वो है कि यहाँ पर जो है आपको एक फोम दिख जाती है एलन की में। तो भाई क्या होता है जब आप एलन की लगाते हैं ना गिटार में और ट्रस रॉड मूव करते हैं तो जो एलन की जब स्ट्रिंग को टच करती है तो वो यहाँ से स्ट्रिंग को थोड़ा खराब करती है, थोड़ा सा डैमेज करती है। तो ये जो फोम है ये प्रिवेंट करती है स्ट्रिंग डैमेज और आपकी स्ट्रिंग की लाइफ डेफिनेटली बेटर होती है और ओवरऑल स्ट्रिंग्स मेंटेन्ड भी रहती है। तो ये छोटी सी चीज़ है लेकिन भाई बड़ी थॉटफुल चीज़ है। तो चलिए अब इस गिटार का साउंड चेक कर लेते हैं। साउंड वाइज मेरे को तीनों गिटार्स काफी अच्छे लगे यहाँ पे, क्योंकि आपको काफी ट्रेडिशनल स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एक तो जो स्प्रूस टॉप है उस वजह से जो है आपको काफी एक अच्छा वॉल्यूम प्रोजेक्शन सुनने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो रेजोनेंस भी है ओवरऑल आपको काफी अच्छी सुनने को मिल जाती है तीनों शेप से। लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली क्योंकि तीनों शेप जो है डिफरेंट है तो आपको कुछ तो टोनल डिफरेंसेस सुनने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा ड्रेडनॉट से। तो यहाँ पे जो ड्रेडनॉट शेप है वो इन तीनों में से सबसे बड़े बॉडी डिजाइन है। तो यहाँ पे आपको जो है सबसे ज्यादा वॉल्यूम प्रोजेक्शन भी सुनने को मिलता है और सबसे ज्यादा अच्छा बेस रिस्पांस भी सुनने को मिलता है। तो अगर आपके लिए लाउडनेस काफी इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा जो है आपको अच्छा बेस रिस्पांस चाहिए तो ड्रेडनॉट के साथ जाइए। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ग्रैंड कॉन्सर्ट की, तो भाई जो ये ग्रैंड कॉन्सर्ट है या ग्रैंड ऑडिटोरियम शेप है ये मेरी जो है पर्सनल फेवरेट है। तो ये शेप मेरे को सबसे ज्यादा इसलिए पसंद है कि यहाँ पे आपको हर चीज ऑप्टिमाइज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल टोन की बात करूँ तो आपको यहाँ पे जो है काफी ऑप्टिमाइज बेस सुनने को मिल जाता है। इसका जो बेस रिस्पॉन्स है डेफिनेटली ड्रेडनॉट जितना नहीं है लेकिन फिर भी जो है अपने आप में काफी अच्छा आपको बेस रिस्पॉन्स सुनने को मिल जाएगा इस शेप से। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे कंफर्ट की बात करूँ तो कंपेयर टू अ ड्रेडनॉट शेप यहाँ पे आपको जो ये गिटार है काफी कंफर्टेबल लगेगा होल्ड करने में।
तो यहाँ पे ओवरऑल जो साइज वाइज है आपको एक काफी ऑप्टिमाइज कंफर्ट मिल रहा है, और टोन वाइज भी जो है आपको एक ऑप्टिमाइज टोन मिल रही है कि आपको भी बेस भी बढ़िया मिल रहा है, ओवरऑल वॉल्यूम भी बढ़िया मिल रहा है। और इसके अलावा फाइनली अब बात करें कॉन्सर्ट शेप की, तो ये जो शेप है ये किड्स के लिए और गर्ल्स के लिए जो है स्पेशली काफी भाई कंफर्टेबल हो जाती है। तो यहाँ पे आपको सबसे मैक्सिमम कंफर्ट इस शेप में मिलेगा। अगर मैं टोन की बात करूँ तो क्योंकि ये एक छोटी बॉडी साइज है तो यहाँ पे आपको जो है बेस रिस्पॉन्स डेफिनेटली ग्रैंड कॉन्सर्ट और ड्रेडनॉट जितना तो नहीं मिलेगा, लेकिन ओवरऑल आपको जो है काफ़ी अच्छी रेजोनेंट टोन और एक वेल बैलेंस टोन सुनने को मिल जाती इस शेप से भी। तो अगर मैं कॉन्स की बात करूँ तो भैया ऐसे मुझे कोई भी कॉन्स इस गिटार में नहीं दिखे। तो भाई मेरे को पता है बहुत से लोगों को लगता है कि भाई आपने काफ़ी सारा पॉजिटिव तो बोल दिया लेकिन यार कुछ नेगेटिव भी बता दो, तो यार ऐसे कुछ भी नेगेटिव नहीं है इसमें। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि मैं कोई भी जब गिटार रिव्यू करता हूं तो उसको काफ़ी लंबे टाइम पहले रखता हूं, ट्यून करके रखता हूं, चेक करता हूं, उसके बाद मैं रिव्यू बनाता हूं। तो इस गिटार को भी मैंने महीने से ऊपर हो गया मेरे पास आए हुए और अच्छे से ट्यून करके रखा, चेक करा, तो मेरे को कोई भी इसमें दिक्कत नहीं लगी। इसके अलावा मुझे इस ब्रांड की जो सबसे बढ़िया बात लगी है कि यहाँ पे इंडिया में जो है ये आपको ऑनलाइन तो मिल ही रहा है लेकिन ऑफलाइन मार्केट में क्योंकि इसकी काफ़ी प्रेजेंस होगी तो भाई आप भी तसल्ली से गिटार को चेक कर सकते हैं, गिटार को फील कर सकते हैं कि भाई आपको कैसा लग रहा है और उस हिसाब से आप जो है डिसाइड कर सकते हैं। तो इन तीनों गिटार्स में से आपको कौन सा पसंद आया मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके अलावा जो है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और भाई अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। इसके अलावा मेरे को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।